स्वर्णाचार्यासाय नित्याय परमात्मने पार्वती प्राणनाथाय लिंगराजाय ते नमः। आज जानिजात श्री जगन्नाथ वीरकलिंगर एक नूतन अध्याय को मु स्वागत करूछि। आज विषय शिव विवाह एवं शीतल षष्ठी। शिव विवाह कहीं केते जुगर कथा, जेतेबले सती आसीथिले दक्ष यज्ञ दर्शन करिबा को हेले दक्षंकर शिवंक प्रति अपमान ओ राग को सती सहन कर पाए दक्ष यज्ञ रे आत्मदाह करथिले। सही दुख रे शिव होइथिले वैरागी संसार त्यागी, सही संसार को पुनर्बार फेरी आने पाए आदिशक्ति पुनर्बार जन्म ग्रहण कले माँ पार्वतींकर रूप रे। हिमालय एवं मेनका गर्भर पार्वती जन्म पुनर्बार शिव पार्वती मिलन पाई शीतल षष्ठी सृष्टि। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी शिव विवाहर उत्सव। शिव पार्वती मिलन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि होता एवं उत्सवर पालन शीतल षष्ठी बा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि दिन होता जहाँ एवं विश्ववेदित। आज आम शीतल षष्ठी विषय में किसीटा वार्तालाप करवा। आज आम तीनो मुख्य स्थान शीतल षष्ठी उत्सव विषय में जाना जाऊँ, भुवनेश्वर पुरी एवं संबलपुर। प्रथम आम भुवनेश्वर विषय में जाना। महाप्रभु श्रीलिंगराज चतुर्दश श्रेष्ठ जात्रा मध्य शिव विवाह एवं शीतल षष्ठी जात्रा अन्यतम न होते यार निजस्व स्वतंत्रता एवं विशेषत्व रही। प्रत्येक भुवनेश्वरवासी यात्रा को जातक भली चाह रही था। यह यात्रार आरंभ हुए अष्टचंडी को निमंत्रण द्वारा। अष्टचंडी होती बिंदुतीर निवासिनी अष्ट महाशक्ति। से महाशक्ति मानते कपाड़िनी रमायणी मोहिनी विंध्यवासिनी द्वारवासिनी अंबिका उत्तरायणी एवं गौरी। यह अष्टचंडी को महाप्रसाद द्वारा निमंत्रण कराए। निमंत्रण पर आरंभ हुए मंगन। मंगन पर दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी शिव पार्वती विवाह उत्सव होता है। यात्रा पूजा पर महाप्रभु लिंगराज प्रतिनिधि रूपे प्रभु चंद्रशेखर स्वाभिमान विजय हुए माँ पार्वती वासुदेव संगे अन्य एक पालिंगी विजयी हुई आसते संगते था महाप्रभु मंत्री कपिलेश्वर सिद्धिविनायक पाखे श्रीफलभग्न पर यात्रा आरंभ होता है। केदारेश्वर से पहुँचा पर पार्वती को गुप्त भाव में नि जाए गौरी मंदिर। यापर बरबरणी हो महाप्रभु लिंगराज बरण हो आसती विवाह मंडप को। वासुदेव एवं कपिलेश्वर देव दंपति विवाह उत्सव में साक्षी स्वरूप रही था। विवाह उत्सव शेष होगा बेलू प्रात हो जाए। यापर देव दंपति वासुदेव एवं कपिलेश्वर केदारेश्वर मंदिर को विजय हूँ। सेठारे भेट आरती पर विश्राम होता है। विश्राम पर साधारण दर्शन एवं सेवानीति होता है। यापर आरंभ हुए शीतल षष्ठी विजय। शीतल षष्ठी दिन महाप्रभु लिंगराज एवं माँ पार्वती सोनाली अभिमुखे यात्रा करती। स्वागत करने समस्त देव नाग गंधर्व यक्ष आदि स्वागत संवर्धन लगि पड़ती। देवराज इंद्र स्वरूप जनसेवायत ऐरावत हस्ती उपर विजय हो स्वागत कर आणती सोनादी अभिमुखे। यही यात्रा जी देखी से केवे भूलिनी यही शोभा। यहाँ हुए चतुर्थी। चतुर्थी दिन महाप्रभु लिंगराज माँ पार्वती सहित ब्रह्मा घाट बिंदुसागर को विजय करती। सेठे चतुर्थी स्नान पर अनंत वासुदेव सहित भेट आरती होता है। यापर भारती मठ से विजय देवी कामाक्षी जीकि लिंगराज भौनी रूप से प्रसिद्धा तांको पाखकु विजय होती। सेठारे देवदंपति गईठाण फिटिला पर भेट आलती हो पुनर्बार श्री श्री लिंगराज देहुल को विजय होता। एठार शेष हुए लिंगराज शीतल षष्ठी पर्व। बर्तमान आम जाना श्रीक्षेत्र में अनुषित होता शीतल षष्ठी संबंध में। शीतल षष्ठी शिव विवाह उत्सव होते श्रीक्षेत्र बहु आडंबर सहित पालन होता है। श्रीक्षेत्र में पंच महादेव मुख्य अटंती जम्बेश्वर लोकनाथ मार्कंडेय कपाल मोचन और नीलकंठ एम विवाह उत्सव बहु आडंबर सहित पालन होता है। एमंर विजय प्रतिमा दक्षिण घरे वर्षक जाक रही था। शिव विवाह पूर्व दिन दक्षिण घर विजय हो स्व ससुराल विजय कर
सेठारे कन्या चोरी नीति अनुष्ठित होता है। कन्या चोरी अर्थात निज पार्वती मान को चोरी कर आनी स्व मंदिर को विजे विजे कलापर दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी दिन शिव विवाह उत्सव पालन होता है। शिव विवाह उत्सव में पारंपरिक वैदिक रीति से संपूर्ण लौकिक परंपरा सहित शिव विवाह उत्सव पालन होता है। यहाँ हुए शीतलष्ठी उत्सव। शीतलष्ठी संध्या पंच महादेव निज निज विमान विजे हुई श्रीमंदिर अभिमुखे यात्रा करते जम्बेश्वर निज दिग्विजय रथ एवं अन्य चारि महादेव वृषभ विमान विजे हुई श्रीमंदिर अभिमुखे यात्रा करते श्रीमंदिर पहुँचला नाटमंडप विजे हूँ। नाटमंडप अपेक्षा करती महाप्रभु आज्ञामाला निम्ते महाप्रभु आज्ञामाला पाइला पंच महादेव पार्वती सहित लक्ष्मी मंदिर जगमोहन को विजे करती जगमोहन खटे विजे कलापर एवं आसती दोलगोविंद। दोलगोविंद महाप्रभु आज्ञामाला पाई लक्ष्मी जगमोहन को विजे करती सेठार एगारपंथी भोग षोड़शोपचार होता है एवं यही शेष हुए श्रीमंदिर शीतलष्ठी यात्रा। आउ गोटे कथा कही रखे पूर्वे बाल्य विवाह प्रथा थिवारो ओ पुरी श्रीमंदिर सेवायत माने एही प्रथा द्वारा अनुप्राणित होई विवाह चतुर्थ दिन गुआली पालन करते। से ही दिन बर शशुर घर को आसी कन्या सह वेशभूषा हो कन्या को संगे धरी स्वघर को यात्रा करती बाद्य आलोक और आतशबाजी सुंदर पटुआर होता है। कन्या ससुरालय पहुँचला परे सेठारे किसी विधि विधान हुए और तापरे कन्या निज मामू सहित पितृलाय को फेरे। यही प्रथा को पूरीर स्थानीय बासिंदा मैंने शिव विवाह सह परवर्ती समय संयोग करिछन्ते। मान आम पश्चिम ओडिशा मुख्यतः संबलपुर में पालित होता शीतलष्ठी यात्रा विषय जानवा। यही जात्रापी संबलपुर प्रसिद्ध शैवपीठ मान उत्सव मुखर हो पड़े। किसी भक्त माँ पार्वती पितामाता हूँ एवं किसी भक्त प्रभु शिवंकर माता पिता हुई यही रीतिनीति संपादन करते। साधारण लौकिक विवाह परी यही विवाह बहु आडंबर बहु आभिजात्यपूर्ण होता है। जेपरी झील विदा बड़े जेपरी जौतुक जानी जौतुक आदि नहीं थाए से भाई पार्वती विदा समय जानी जौतुक आदि दि जाए। संबलपुर पर्वर मुख्य आकर्षण होची पारंपरिक संबलपुरी संगीत एवं नृत्य। यह संबलपुर विशेषकर पश्चिम ओडिशार लोक नृत्य उपभोग कर एक प्रकृष्ट समय अटे। यहीपर विभिन्न स्थान मानक शीतलष्ठी उत्सव बहु आडंबर सहकारे पालित होता है। यह शीतलष्ठी नुहे एक प्रकृति पुरुषर मिलन पर्व भक्त भगवान मिलन पर्व तेणु शीतलष्ठी पर्व में समस्ते सम्मिलित हो महादेव एवं माँ पार्वती कृपा लाभ करवा। जय प्रभु शंकर जय माँ पार्वती जय त्रिभुवनेश्वर जय त्रिभुवनेश्वरी।